असलकम बच्चों हम लेसन पढ़ रहे थे द प्राउडी गर्ल्सन तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे अब हम आगे बढ़ेंगे देखते हैं क्या होता है दंगर पैंग्स मेड हिम टू फेल डाउन एंड ही कैम्प अनकॉन्शियस ऑन रिगैनिंग हिज कॉन्शियसनेस ही थाट हाउ मैनी ऑफ माई फादर्स हायर्ड मैन हैव मोर ब्रेड दैन दे वॉन्ट वाइल आई है आई विल गो टू माई फादर एंड से टू हिम फादर आई हैव sinned against heaven एंड बिफोर यू आई नो लॉन्गर डिजर्व डिजर्व टू बी कॉल्ड a सन ऑफ यूअर्स ट्रीट मी एज वन ऑफ़ your hired मैन एंड आई विल वर्क फॉर यू तो बच्चों आपने उस उन दुबाइयों की स्टोरी पढ़ी थी कल मैंने वो पढ़ाया था कि एक अमीर आदमी था उसके दो बेटे थे तो एक बेटे के बारे में भी बोला था कि वो कैसा था दूसरे के बारे में भी बोला था वो कैसा था। जो हम फिलहाल हम दूसरे के बारे में पढ़ पर... उसके साथ क्या होगा हो गया <coughs> उसने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो था मतलब आ, उसके हिस्से में जितना भी था उसने वो अपने साथ ही लिया था और वो खर्च फजूल खर्च भी की थी उसने बहुत ज़्यादा तो अब वो भूखा प्यासा था उसको कोई काम भी नहीं था द दंगर पैंग्स मेड हिम टू फंड डाउन एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस अब वो भूख के मारे तड़प रहा था ये भी आपने पढ़ा था कि किसी ने उसको वहाँ पे आ, न, वो जानवरों को गुजा डालता था लेकिन आ, खुद भूखा था उसको खुद कुछ भी नहीं मिला था अब जो ये हंगर पैंक्स थी यानी कि जो बूखापन था वो इसको न, वो गिर गया भूख की वजह से और बेहोश हो गया आंद्र गैनिंग अनकॉन्शस ने जब वो वापस होश में आया उस ही थाट कि उससे उसके जो उसके घर में जितने भी मुलाजिम काम करते थे उन वो कितना खाते थे उनको कितनी रोटियां मिलती थी बगैर काम किए लेकिन यहाँ पे मैं भूख के मारे मर रहा हूँ मुझे लगता है मुझे अपने पापा के पास ही जाना चाहिए वापस और उसको मुझे बोलना चाहिए कि आ, मैंने गुना मैं गुनहगार हूँ मुझे माफ़ करो मुझे अल्लाह मियाँ भी सज़ा देगा और मैं आपका भी गुनहगार हूँ आई हैव आई नो लॉन्गर डिजर्व बी कॉल्ड एसन ऑफ यूअर्स मैं मेरा यह हक ही नहीं बनता है कि मैं आप मैं आपको अपना आ, बेटा कहूँ मुझे अपना मुलाजिम समझ कर ही आ, मुझे आ, काम पे रखें और मुझे आ, कुछ पैसे दे ताकि मैं भूखा ना मर जाऊँ दिस वुड एनश्योर हिम प्लेस टू लिव इन एंड फूड ईट इसी वजह से शायद मुझे वहाँ रहने के लिए घर भी मिलेगा और खाने के लिए गुजा भी he went to his father who was uh, patiently waiting for him to return the father embraced the lost son and kissed him tenderly वो अपने बाप के पास चला गया और बेसब्री uh, uh, लेकिन वो भी uh, Uh, जो उसका बाप था वो भी बड़ा uh, बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं कभी ना मेरा बेटा शायद वापस आएगा तो बाप ने उस अपने बेटे को um, गले लगाया और uh, बहुत खुश हो गया और uh, लेकिन जो फादर क्राइड सन आई हैव सिंड अगेन्स्ट हिवन एंड बिफोर यू आई एम नॉट वर्थ कॉलिंग योर सन आई हैव रॉन्ग ड्यू माई डियर फादर सेट सन तो बेटे ने बाप से कहा बहुत ज़्यादा रोने लगा कि मैं बहुत मैं शर्मिंदा हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको अपना आप मुझे अपना बेटा कहें मैंने आपके साथ बहुत गलत किया मेरे प्यारे पापा उस बेटे ने कहा But the father said to his servants fetch a good robe quickly and put it on him and bring a ring uh, for his finger and shoes for his feet और लेकिन बाप ने क्या किया उसने जल्दी से अपने नौकरों को बुलाया और क्या कहा कि एक जल्दी से आप एक काम करें किन को बोला अपने नौकरों से कहा कि जल्दी से आप लाए एक रिंग लाए इसकी उंगली को इसको इसके हाथ को पहनाएं उसके पैरों के लिए जूते लाए और एक गोट को लाए एक बकरी को लाए उसको ज़बह करें एंड लेट अस फीस्ट एंड एन्जॉय अवसैल्स हम आज बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे सेलिब्रेट करेंगे क्या खुशी थी उनको बिकॉज हिज सन वॉज बैक फॉर माई सन हीर डेड एंड हैज कम टू लाइफ अगैन मेरा बेटा जो समझो मरा ही था अब वापस जिंदगी में वापस जिंदा हो गया है तो वो बच गया मरते मरते बच गया तो इसी खुशी में हम एक बकरी को करेंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे ही वॉज लास्ट एंड हेज़ बीन फाउंड वो खोया था अब मिल गया एंड दे बिग एंड में एक मैरी और वो ख़ुशियाँ मनाने लगे तो बच्चों आगे क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज